हाय फ्रेंड्स, हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें 5 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसका पहला हो गया था, जैसे ये है, डिफाइन इर्गोनॉमिक्स राइट टू ऑब्जेक्टिव्स एंड टू एप्लीकेशंस ऑफ इट। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था इर्गोनॉमिक्स का, तो इसमें जो है सारा इर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कल कंप्लीट हो गया था। तो आज दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज मोशन एनालिसिस एक्सप्लेन थ्रेवलिंग्स, हाउ विल यू डिजाइन ए वर्क प्लेस इफ इट इज मीन्ट फॉर ए जॉब टाइप प्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। तो मोशन एनालिसिस है क्या? तो किसी पार्टिकुलर ऑपरेशन के लिए जो है, जो कोई वर्कर वर्क करता है उस पे और उसके स्टडी करते हैं, उसके हैंड मूवमेंट की या उसके जो है काम करने की गति की, वही मोशन एनालिसिस कहलाता है। तो जानते हैं, द एनालिसिस ऑफ एन ऑपरेशन व्हेन कैरीड आउट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल मोशन ऑफ ए वर्कर इज नॉन एज मोशन एनालिसिस। तो यही है कि किसी इंडिविजुअल वर्कर की जो है मोशन, किसी इंडिविजुअल वर्क पर या ऑपरेशन पर जो मोशन एनालिसिस की जाती है या मोशन स्टडी की जाती है, वही क्या कहलाता है, मोशन एनालिसिस। दिस टेक्निक हाइलाइट्स द यूज ऑफ बॉडी मेंबर्स ऑफ द ऑपरेटर। यह टेक्निक जो है हाईलाइट करता है यूज ऑफ बॉडी मेंबर्स। बॉडी मेंबर्स मीन्स हैंड मूवमेंट, फिर लेग मूवमेंट, लेग जैसे वर्क करता है कोई, पैर से दबाने वाला जो खटका होता है या जो मशीन खो डोर ओपन करने के लिए, तो पैर की मूवमेंट भी कितने स्पीड से कर रहा है, हैंड, दोनों हैंड की मूवमेंट, फिर आइज मूवमेंट, आइज, इन सब का जो है एनालिसिस किया जाता है इसमें पूरे बॉडी मेंबर का। इसके बाद है थ्रेवलिंग्स। थ्रेवलिंग्स जो है मिस्टर गिलबर्थ के द्वारा दिया गया है, जो कि ह्यूमन मूवमेंट को एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। मिस्टर गिलबर्थ ने ह्यूमन मूवमेंट्स को एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, जिसे थ्रेवलिंग्स कहा जाता है। थ्रेवलिंग्स जो है गिलबर्थ का उल्टा है, जैसे TH ER, टी यहाँ से देखो TH ER, उसके बाद B, उसके बाद LIG, हो गया ये। तो देयर आर 10 थ्रेवलिंग्स, जनरली जो है 10 थ्रेवलिंग्स हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे पहला है सर्च। सर्च को इस तरह से दर्शाते हैं सिंबल में, SH नोटेशन है इसका। फाइंड, फाइंड का आया हुआ एक बार इसको आइज की तरह दिखाते हैं, F इसको नोटेशन है। सेलेक्ट का एरो से दर्शाते हैं, ST लिखते हैं इसका नोटेशन। उसके बाद है यूज। यूज को यू से लिखते हैं इस तरह से, ऐसे लिखा भी जाता है ऐसे। होल्ड को जो है इस तरह से दर्शाया जाता है, कैपिटल H से नोटेशन करते हैं। इंस्पेक्ट को ओ से और आई से इसको नोटेशन किया जाता है। असेंबल को हैश से और ए से इसको नोटेशन किया जाता है। तो ये है थ्रेवलिंग। इसके बाद है 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, डिजाइन ऑफ ए वर्क प्लेस फॉर जॉब टाइप प्रोडक्शन। जॉब टाइप प्रोडक्शन के लिए किस तरह से डिजाइन करते हैं वर्क प्लेस का? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जॉब टाइप प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर, कस्टमर जब ऑर्डर देता है उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट की जाती है जॉब टाइप प्रोडक्शन में। इसलिए जो है वर्क प्लेस भी उसी आधार पर डिजाइन होना चाहिए, ताकि जो है
मैक्सिमम जो है आउटपुट प्राप्त हो। तो एज वी नो इन जॉब टाइप प्रोडक्शन द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स। ए कंफर्टेबल वर्क प्लेस कीप्स द वर्कर्स और ऑपरेटर्स सेटिस्फाइड एंड इंड्यूसेस देम टू वर्क ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट ए वर्क प्लेस। मीन्स क्या है, अगर कंफर्टेबल वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे जो है ज़्यादा गर्मी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऑपरेटर अगर सही तरह से वहाँ पे कंफर्टेबल है काम करने में, तब जो है इससे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पे। वह जो है ज़्यादा समय तक उस वर्क को कर सकता है, उस जो है मशीन पे वर्क कर सकता है अगर उसे कंफर्टेबल लगे तो। कंफर्टेबल के लिए जो है उसकी जो सुविधाएं हैं, जैसे फैन हो गया, कूलर हो गया, कुछ जो है बैठने के लिए, या फिर जो मशीन पार्ट्स है, गेज है नज़दीक में हो, उसका जो मशीन पे वर्क पीस सेट कर रहा है वो प्रॉपर हाइट पे हो, इस तरह से करने से जो है वर्कर को जो है सेटिस्फैक्शन मिलता है, दिक्कत नहीं आती है। फॉर जॉब टाइप प्रोडक्शन ऑल द शॉप्स एंड डिपार्टमेंट्स शुड बी सेपरेट। जॉब टाइप प्रोडक्शन में जो डिपार्टमेंट्स है, शॉप्स है अलग अलग, वो सारे क्या हैं अलग अलग रखने चाहिए। सो दैट फॉर एनी न्यू जॉब इट इज ईजी टू फाइंड आउट बेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूस देम। तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए कोई अच्छा तकनीक आसानी से खोजा जा सके, इसलिए जो है उसे अलग अलग सेपरेट शॉप्स और डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट करके रखना चाहिए। थैंक यू।